मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। थोड़ा जोर से यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। पहले तो मैं आंटी को यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना खुश मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि हमने वो भी देखा था, क्योंकि आंटी ने सब कुछ बता दिया। फिर भी मेरा मन से भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि हमें प्रार्थना परमेश्वर से आंटी और मैं मिलकर करते थे, वो प्रार्थना परमेश्वर ने कैसे सुना वो मैं आंटी को देखकर महसूस करती हूँ। क्योंकि आंटी इतना बीमार थे, हम हॉस्पिटल लेकर गए, देखो डॉक्टर्स नर्सेस सब ठीक है, जरूरत है, बट हमें जो चंगाई देने वाला एक ही है, वो भी यीशु मसीह। चाहे आप दवाई खा लो, इधर चले जाओ, बट आंटी की हालत काफ़ी ख़राब थी, बट आंटी के अंदर विश्वास जाता था। मैं एक विश्वास के लिए मैं जोरदार कुछ नहीं हो सकता। आंटी का जो विश्वास है, जो परमेश्वर का, वो विश्वास मुझे आज उनको यहाँ लेकर आया है, चर्च में बिठाया है और ठीक किया है। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस हफ्ते का हमारा। इसके साथ साथ आज का सुबह सुबह मेरा नींद कभी कभी बहुत जल्दी 5:30 खुल जाता है, कहीं ना कहीं मन थोड़ा अजीब सा फील होता। कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ बुरा होने से पहले ना, पहले ही मन बड़ी अजीब, वो बोल नहीं सकते बट मगर मैंने, और सपना भी कुछ अजीब सा आया था मेरे को, तो मेरे को लगा ये ऐसा सपना क्यों आया, क्योंकि आजकल अपना सपना का ना मीनिंग बड़ा मुश्किल है समझना, तो बड़ी अजीब सा फील ही हो रहा था। इतने में मेरी मोबाइल की घंटी बज गई। जब वो घंटी बज गई, जहाँ से वो आया मुझे पक्का पता है कि कुछ तो और हुआ भी। तो आज का सुबह ऐसे ही मेरा सुबह शुरू हुआ, क्या बोलते हैं, धमाका, परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी। बट एक बार फिर हम ताली बजाएंगे, बहुत बड़ी घटना तो घटी मगर हम बच गए, मतलब कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ जो हम सह नहीं सकते। पूरा जरूर हुआ, मैं क्योंकि बड़ी डिटेल में बोल नहीं सकती यहाँ पर, बट इतना जरूर बोलूँगी, घटना बहुत बुरी थी, घटना बहुत सही नहीं हुआ, मगर जो उससे बड़ा हो सकता था, जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, वो नहीं हुआ, परमेश्वर ने बचाया। तो मैं घर पे बैठकर यही सोच रही थी, क्योंकि परमेश्वर बार बार बाइबल में बताते हैं डरो मत, डरो मत, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा साथ हूँ। दूसरा परमेश्वर का शब्द ये है, अपना सारी चिंताएं मेरे को दे। सार हम चिंता बहुत करते हैं इसलिए, मगर कुछ कर नहीं पाते, चिंता करते हैं बट उसका सल्यूशन कुछ नहीं है। तो मैं भी आज जब इतना बड़ा घटना मतलब घट गई, तो मैंने भी परमेश्वर को कहा नहीं, मैं वो मतलब मेरा मन कह रहा था कि दुखी नहीं करना, मतलब परमेश्वर ने बचा लिया ना, उससे कुछ बड़ा होने से जैसे एग्जांपल दूंगी, जैसे एक्सीडेंट तो हो गया गाड़ी का, मगर गाड़ी का नुकसान हुआ कोई बात नहीं, इंसान बच गए वो वाली बात है, कि गाड़ी नुकसान हमें बहुत वो तो इंश्योरेंस को दे दो आपकी गाड़ी, बट अंदर के इंसान को अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या कहते परमेश्वर को धन्य। वही इंसिडेंट था आज मेरा, तो आज भी मेरे वही वचन के द्वारा मुझे एक शक्ति जरूर मिली। मैंने कहा हुआ इंसिडेंट, मतलब जैसे आपने कहा शैतान जरूर प्रॉब्लम लाएगा, मगर हमें विश्वास में और एक बढ़ना है। ऐसे ही कल की भी बात थी कि बहुत ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए ना कभी कभी लाइफ में क्या बोल सकते हैं, हाँ गड्ढा खोदते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा चल रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है, थोड़ा इसको गिरा लें, मगर परमेश्वर गिरने नहीं देंगे, बट हमें उस टाइम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। तो ऐसे ही कल भी हमारा बहुत मीटिंग था, आना जाना था, सब कुछ हम कर रहे थे, इतने में चिट्ठी भी आई हमारे लिए, तो मेरे को उस टाइम हिम्मत नहीं हारा मैंने, मैंने कहा कोई नहीं। कभी कभी ना हम कुछ भी होता है उसको लेकर जो 20 साल बाद होगा ना उसके लिए सोचने लगते हैं, अरे अब मैं क्या करूँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हो जाएगा, मगर होगा नहीं जब तक हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें मुझे खासतौर से सिखा रहे हैं कि उनके ऊपर जब विश्वास करते हैं दुख आएगा, कष्ट आएगा, मुश्किलें आएगी, लोग गड्ढे खोदेंगे, बट मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। थैंक यू।